हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे। सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, गुड इवनिंग। हाँ भाई, एक बार फिर से आपका स्वागत है संक्षिप्त क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस में, जो आपको शैक्षिक परिदृश्य में पढ़ा रहा था कि ये स्मार्ट क्लासेस आपको याद रखनी हो। बहुत कम टाइम में इसमें मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुश्किल से 1 से 2 मिनट भी एक योजना को नहीं दे रहा हूं, ताकि आपको उतना ही मेन मेन डाटा जो है आपको एक बार याद हो जाए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रश्न जो आएंगे वहीं से आएंगे, बाकी प्रश्नोत्तरी यूट्यूब पर जो चल रही है उससे आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर ही रहे होंगे, वो क्लास भी आपको उपलब्ध हो ही रही है और ये आपके पास में ही है, ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सको। ये चीजें आपके पास में होनी चाहिए जो स्मार्ट क्लासेस के रूप में चलती है। ये स्मार्ट क्लासेस के सारे पीडीएफ्स वगैरह भी आपको उपलब्ध रहेंगे, इससे आपकी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। दोस्तों जैसे बात करते हैं, आज अपन इस क्लास को अपन आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों आज इसके बारे में जो सबसे पहली योजना रहेगी वो अपनी कौन सी रहेगी? दोस्तों एक योजना चली थी जिसका नाम है दोस्तों महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। राजस्थान के अंतर्गत ये बात की गई कि प्रत्येक जिले के अंदर एक 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 ऐसा विद्यालय खोला जाएगा जो इंग्लिश मीडियम से होगा, जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाएगा, जिसका नाम होगा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। इसकी शुरुआत जो है 2019-20 से प्रारंभ हो गया था, जब महात्मा गांधी की जयंती थी, 150वीं जयंती है ना, उस 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम जो है दोस्तों चलाया गया था। इन्होंने टारगेट किया कि पहले चरण में केवल हम 33 विद्यालयों को यूज करेंगे, प्रत्येक जिले के अंदर एक विद्यालय होगा। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल कितनी कक्षाओं तक चलेंगे? तो पहली से लेकर के 12वीं तक के चलेंगे। दोस्तों प्रथम चरण में केवल 1 से 8वीं तक के विद्यालय खोलने की योजना बनाई गई, लेकिन 2022-23 में ये कहा गया कि 1 से 5वीं तक ही ये विद्यालय चलेगी, फिर 5वीं वाले बच्चे 6ठी में जाएंगे तो 6ठी क्लास बनेगी, फिर 7वीं, फिर 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ऐसे 6-7 साल के अंतर्गत 12th तक ये विद्यालय प्रारंभ हो जाएगा। तो 2022-23 में जब इसका प्रारंभ किया गया तो क्या जाएगा दोस्तों, 2022-23 के आधार पर इन विद्यालयों को कक्षाओं को धीरे धीरे बढ़ा दिया जाएगा। ये इनकी एक योजनाएं बनाई गई थी महात्मा गांधी विद्यालय योजना के अंतर्गत। एक आपका कार्यक्रम आता है दोस्तों एनएएस, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसको अपन कहते हैं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। एक कार्यक्रम आता है जिसका क्या नाम है दोस्तों, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण या मैं एनएस की बात करूं दोस्तों, ये क्या है? एक प्रकार का नेशनल अचीवमेंट सर्वे है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे का मतलब क्यों हो गया कि इसका संचालन दो, ये राष्ट्रीय स्तर का बालकों के अधिगम स्तर का मूल्यांकन करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसको अपन नेशनल अचीवमेंट सर्वे के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी, एनसीईआरटी और भारत एवं मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा दोनों ने मिलकर के इसको विकसित किया था, और मूल्यांकन का एक सर्वव्यापी सर्वेक्षण है जो होता है दोस्तों। ये हर साल नहीं होता है बल्कि 3 वर्ष में एक बार इसका सर्वेक्षण लिया जाता है, जो 3री, 5वीं, 8वीं और 10वीं क्लास के लिए होता है। 3री क्लास के बच्चे, 5वीं क्लास के बच्चे, 8वीं क्लास के बालक और 10वीं क्लास के बालकों का आपके ये अधिगम स्तर का मूल्यांकन लिया जाता है, जो संविधान में निर्मित समस्त 22 भाषाएं इसके अंदर इंक्लूड रहती है दोस्तों। एनएएस ने 2001 जो है 2021 का आयोजन जो सीबीएसई द्वारा किया गया था, उसमें आपको ध्यान रखिए कि पंजाब राज्य प्रथम आया था आपके एनएएस मूल्यांकन के अंतर्गत। इसमें देखो 3री और 5वीं के अंतर्गत भाषा, पर्यावरण और गणित का मूल्यांकन लिया जाता है। कक्षा 8वीं के अंदर भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन का मूल्यांकन लिया जाता है। कक्षा 10 के अंदर भाषा, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान का मूल्यांकन लिया जाता है। तीनों के अंदर भाषा और तीनों के अंदर जो गणित है, ये भाग तीनों के अंदर क्या माने गए दोस्तों, कॉमन माने गए हैं। ये दोनों भाग जो है आपके, दोनों भाग इनके लिए कॉमन माने गए। भाई किसके लिए कॉमन माने गए हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है ये माने गए हैं आपके एनएएस के अंतर्गत। ये तीनों में होती है, कौन कौन सा मूल्यांकन लिया जाता है ये भी आपको इसके संदर्भ में याद होना चाहिए। एनएस एक कार्यक्रम आया था दोस्तों, शगुन पोर्टल, ये एक प्रकार का ऑनलाइन पोर्टल्स है, एक ऑनलाइन वेबसाइट जिसको आप कह सकते हो, वेब है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो दोस्तों कि किसी भी प्रकार की शैक्षिक संबंधी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हो, किसी भी प्रकार की शिक्षा से जुड़ी हुई शिकायत भी दर्ज करवा सकते हो। दोनों ऑप्शन इस पर मिलते हैं। वर्तमान में शगुन पोर्टल के ऊपर कई प्रकार की शैक्षिक सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है, जो ऑडियो विजुअल हो जाए दोस्तों, या दीक्षा एप्लीकेशन पर जो सामग्री आती है वो भी अब आपको इसमें उपलब्ध करवाई जा रही है। इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? भारत एवं मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी आपके 28 अगस्त 2019 को। कब शुरुआत की गई थी दोस्तों? 28 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी एमएचआरडी द्वारा। एमएचआरडी का मतलब भारत एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। एक ऑनलाइन पोर्टल है जिस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो और शिक्षा से संबंधित कोई भी सूचना भी आप प्राप्त कर सकते हो। वर्तमान में इसके ऊपर अधिगम से जुड़ी हुई, शिक्षा से जुड़ी हुई शैक्षिक सामग्री भी उपलब्ध करवाई जाती है। ये आपको किसके संदर्भ में याद रखना है? शगुन पोर्टल के संदर्भ में याद रखना है।
फिर आपको ध्यान है दोस्तों, एक पोर्टल और आया था जिसका नाम है दोस्तों ई ज्ञान पोर्टल, जिसका संचालन सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग भारत सरकार द्वारा इसका किया गया था दोस्तों। पहली से बारहवीं तक के विद्यालयों में ये योजनाएं चलाई गई थी, जिस पर इनको विषय पर आधारित ऑडियो वीडियो है ना, ई बुक ई नोट्स टाइप की सामग्री उपलब्ध करवाई जाती थी, ये आपको याद रखना है। ई ज्ञान पोर्टल जिसमें कक्षा वाइज टोटल एजुकेशन की सामग्री ई कंटेंट के रूप में उपलब्ध करवाई जाती थी, जिसका नाम रखा था इन्होंने ई ज्ञान पोर्टल। किसके द्वारा संचालित की गई थी? सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा इसको संचालित किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। एक छोटी योजना और है दोस्तों, जिसका नाम है राजीव गांधी कैरियर पोर्टल योजना। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, यह भी एक पोर्टल है जिसके ऊपर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बालकों को कैरियर संबंधी गाइडेंस दिया जाता है कि आप जीवन में क्या बनोगे, क्या नहीं कर सकते, एक मार्गदर्शन जो है इसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों कि किस प्रकार से अपनी शैक्षिक उपलब्धि को आप स्किल्स में बदल सकते हो, है ना, अपने टैलेंट को आप स्किल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, और स्किल्स के आधार पर कैसे अपने बिजनेस या अपने लाइफ की ग्रोथ कर सकते हो, ये जो बताई जाती है दोस्तों वो किसके आधार पर बताई जाती है? राजीव गांधी कैरियर पोर्टल के अंतर्गत 9वीं से 12वीं तक क्लास के लिए ये चलाया गया था, आपको इसके संदर्भ में ये याद रखना है। बात करते हैं दोस्तों, एक कार्यक्रम चला था राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, जिसके ऊपर दो तीन चीजें चली थी दोस्तों। एक ब्रिज कार्यक्रम चलाया गया था, एक रेडीनेस कार्यक्रम चलाया गया था दोस्तों। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कार्यक्रम की शुरुआत 11 जुलाई 2022 को अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई थी दोस्तों, जिसका नाम रखा था रेमेडिएशन कार्यक्रम। 3 माह की अवधि के लिए एक ब्रिज कोर्स बनाया गया था जो 1 से 8 तक के बच्चों के लिए गया, है ना। 3 माह यानी कि लगभग 12 सप्ताह का एक कोर्स बनाया गया था, जिसमें बालकों को एक प्रकार से बालकों को विद्यालय में किस प्रकार से समायोजित किया जाए, उनके कंटेंट तैयार किए जाते थे, जिसका नाम था आपके रेमेडिएशन कार्यक्रम। आपको मैं रेडीनेस कार्यक्रम भी कहते हैं इसको, अपन आगे बात करते दोस्तों। ब्रिज कार्यक्रम क्या है दोस्तों, रेमेडिएशन कार्यक्रम के अंतर्गत बात करते हैं। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम के अंतर्गत दोस्तों एक आपके ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके अंतर्गत आपको यह ध्यान रखना है कि जिसके अंतर्गत एक बेसलाइन मूल्यांकन होता था। बेसलाइन मूल्यांकन में 2 समूह बनते थे, एक समूह वो जो 60% से अधिक अंक और एक है जो 60% से कम वाले। 60% से कम वाले को अधिक मेहनत करके ब्रिज कार्यक्रम के दौरान अधिक उनको जो है तैयारी करवा करके समूह 1 के बराबर लाया जाता था। उसके बाद में आपके रचनात्मक योगात्मक मूल्यांकन होते थे। अभिभावक और शिक्षक, अभिभावक और टीचर्स की एक मीटिंग को जो है वो भी इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया था, जिसको अपन हेलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के नाम से जानते हैं, वो भी इस कार्यक्रम के अंदर इंक्लूड किया गया था। और एक चीज चलाई गई थी, शिक्षक क्षमता संवर्धन, एक ऐप डेवलप किया गया था जिसमें टीचर्स अपनी क्षमता का संवर्धन करने के लिए, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए उससे जुड़ सकता है और एक जो है प्रशिक्षण ले सकता है। ये आपको इसके संदर्भ में ध्यान रखना है जो आपके इसके अंतर्गत चली थी। तो राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम के तहत 4 चीजें चलाई गई थी, मैंने ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम, आकलन, हेलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड और एक क्या बना था आपके शिक्षा संवर्धन। ये 4 योजनाओं के नाम आपको याद रखने, एक एक को बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहले बात करते दोस्तों बेसलाइन समूह क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया 2 समूह बनेंगे, एक 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाला, एक होगा 60% से कम अंक करने वाला। इनको दूसरे समूह को अधिक प्रशिक्षण देकर के इसके बराबर लाया जाएगा। बेसलाइन का आकलन 3री से 8वीं तक बालकों का होगा, 1ली से 1ली और 2री क्लास वाले बच्चों को केवल अभ्यास कार्य माध्यम करवाया जाएगा। बेसलाइन आकलन 3री 4थी और 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चों का, 1ली 2री का नहीं, उनको केवल अभ्यास कार्य कराया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों ब्रिज कोर्स, ब्रिज कोर्स क्या होता है दोस्तों, कक्षा से 1ली से लेकर के 8वीं तक में 4 कालांश है ना, 3 माह तक और 6 सत्र के अंदर 2 कालांश निर्धारित किए गए, यानी कि जो इन बालकों के तक लाने का जो काम किया जाएगा। तो 1ली से 8वीं तक के बच्चों को प्रथम 3 माह तक तो 4 कालांश और फिर आगे कम से कम 2 कालांश जो है बालकों को विशेष शिक्षा के लिए दिए जाएंगे और इनको लेवल जो है दोस्तों सम्मान किया जाएगा। एक कार्यक्रम चला था दोस्तों जिसका नाम था स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, ये भी आपके राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम के तहत चला था। 2020 की शिक्षा नीति की अनुशंसा के आधार पर चलाया गया था कि बच्चे जब नए नए विद्यालय में आते हैं तो वो सीखने के लिए रेडी नहीं होते, सीखने के लिए प्रिपेयर नहीं होते, तो ऐसे बालकों को विद्यालय के साथ में समायोजित कर ले कि बालक पढ़ने के लिए तैयार हो जाए और विद्यालय भी उन बालकों को अपने अंदर लेने के लिए तैयार हो जाए, परिवार भी बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए तैयार हो जाए। इसीलिए इसकी थीम रखी गई थी, तैयार विद्यालय, तैयार बालक और तैयार परिवार। तो ये जब इन बच्चों को पहली में आते डायरेक्ट पढ़ाना शुरू नहीं करते, बल्कि इनको छोटी छोटी बातों का पहले ध्यान दिखाया जाता है, उनको स्कूल में एडजस्ट करने के लिए एक चलाया गया जिसको नाम है रेडीनेस। रेडीनेस की यदि फुल फॉर्म बात करें दोस्तों, आर का मतलब होता है दोस्तों रेस्पेक्टिव लैंग्वेज, ई का मतलब होता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, ए का मतलब अटेंशन स्पेंस, डी का मतलब डेली रूटीन, आई का मतलब इंट्रेक्शन, ए का मतलब नेचुरल कॉल, ई का मतलब ईटिंग स्किल्स, एस का मतलब सोशल स्किल्स और एक एस का मतलब हो जाएगा आपके स्किल्स इन अकेडमिक। ये आपके रेडीनेस की एक फुल फॉर्म है जो याद रखनी कोई जरूरी नहीं है।
स्कूल रेडीनेस की बात करें दोस्तों, स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत 3 माह में 12 सप्ताह का एक पैकेज बनाया जाएगा। 12 सप्ताह तक ये कार्यक्रम चलेंगे, 3 महीने या 12 सप्ताह। इसके अंतर्गत प्रत्येक दिन अलग अलग प्रकार की गतिविधि करवाई जाएगी पूर्व प्रारंभिक स्तर की। इनका उद्देश्य था बालकों का सर्वांगीण विकास करना, और मुख्य ध्येय है बच्चे तैयार, विद्यालय तैयार और परिवार तैयार, जिसकी बात मैंने आपको कर ली। इनका पैकेज जो तैयार किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा इनका पैकेज जो तैयार किया जाएगा वो आपके RSCRT द्वारा तैयार किया जाता है। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का पैकेज इनके द्वारा तैयार किया जाता है। 3 माह में कौन-कौन से कार्यक्रम चलाने, ये इस प्रकार से इनके साथ कालांश चलते, देखिएगा क्या क्या चलते वो भी मैं आपको बताता हूं। पहला कालांश चलेगा, पहले कालांश के अंतर्गत प्रार्थना और अभिवादन सिखाया जाएगा 30 मिनट के लिए। दूसरे कालांश में भाषा विकास होगा 30 मिनट का। फिर तीसरा होगा स्वतंत्र खेल का कालांश, जिसके लिए कॉर्नर बनाए गए कि ये क्लास के अंतर्गत क्या होगा, अलग अलग कॉर्नर बनाए जाएंगे, किसमें चित्र होंगे, किसमें मॉडल्स पड़े होंगे, ऐसे कॉर्नर के माध्यम से गतिविधियों के आधार पर शिक्षा करवाई जाएगी कक्षा के अंतर्गत, है ना, 30 मिनट का होगा। फिर होगा एक संज्ञानात्मक और वैज्ञानिक सोच का कालांश, ये भी 30 मिनट का होगा। फिर सृजनात्मक गतिविधि का कालांश होगा। पांचवा छठा होगा बाहरी खेल कालांश, जिसके अंदर ग्राउंड में ले जाकर के खेलाओगे। सातवां होगा फिर मिलेंगे कालांश, मतलब एक इस प्रकार की स्टोरी खत्म की जाएगी कि बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट रहे कि कल मुझे जाकर के सुनना है कि इसमें क्या होगा। ये आपके साथ कालांश इस पैकेज के अंतर्गत दोस्तों चलाया गया, जिसका नाम है रेडीनेस कार्यक्रम। तो राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम के तहत आपको 3-4 कार्यक्रमों के बारे में ध्यान रखना है। एक रेडीनेस, एक ब्रिज कोर्स है ना, इसके एक बेसलाइन मूल्यांकन, ये आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। फिर मैंने आपको इसके अंतर्गत आपको राजीव गांधी कैरियर योजना के बारे में बता दिया, ई ज्ञान पोर्टल बता दिया, सगुन पोर्टल बता दिया, और क्या बता दिया दोस्तों, इसके साथ साथ में आपको NS के बारे में बता दिया, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, और इसके बारे में बता दिया महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना। तो 5-7 योजनाओं को मैंने जो है आपके 10-12 मिनट के अंदर समेटने की कोशिश की। पढ़ाने की गति मेरी तेज है, लेकिन काम की चीजें आपके जरूर काम आएगी। बस इतना सा शॉर्ट्स याद रखिएगा, ये स्मार्ट क्लासेस आपके ये बहुत उपयोगी और बहुत हेल्पफुल जो है दोस्तों साबित होगी, क्योंकि 11 मिनट के वीडियो को प्रतिदिन देखा जा सकता है, रोज देखा जा सकता है, लेकिन 1 घंटे की क्लास को कभी रोज नहीं देखा जा सकता। इसीलिए मैंने ये 11 मिनट की क्लास के अंदर आपकी इतनी योजनाएं समाहित की, लेकिन ना आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी। फिर मिलेंगे स्मार्ट क्लासेस के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।